नमस्कार, मैं हूँ मनीषा शाह। स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल के DMMS और सोल्यूशन चैनल पर, और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ और खुश होंगे। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो है कि सरकारी नौकरी पाने के लिए कौन सा उपाय हमें अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, हर व्यक्ति की अपने जीवन में कामना होती है कि उसे अच्छी नौकरी मिले या उसका रोजगार, उसका कारोबार श्रेष्ठ हो। कभी कभी पर्याप्त योग्यता, लिखित परीक्षा, इंटरव्यू अच्छा होने के बाद भी ऐसी अड़चने आ जाती है जैसे नौकरी मिलते मिलते रह जाती है, अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। अभी कोरोना वायरस के कारण लगे लॉकडाउन की वजह से ना सिर्फ महंगाई बढ़ी है बल्कि कई लोगों की नौकरी भी छूट गई है। इसकी वजह से कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन तो खुल गया लेकिन नौकरी मिलने में अभी भी परेशानियां आ रही हैं, या फिर आप जहां काम कर रहे हैं वहां आप खुश नहीं हैं और दूसरी जगह आपको नौकरी नहीं मिल रही है। तो इसके लिए ज्योतिष शास्त्र में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनके करने से आपको नौकरी मिलने की समस्या धीरे धीरे खत्म हो सकती है। तो दोस्तों, तो पहला उपाय ये है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नौकरी प्राप्त करने के लिए या फिर बेहतर ऑप्शन के लिए आपको भाग्येश्वर रत्न या फिर दशमेश रत्न धारण करना चाहिए। इन रत्नों के धारण करने से नौकरी में आ रही परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और नई नौकरी के योग भी बनेगी। दूसरा उपाय ये है कि नौकरी प्राप्त करने के लिए या फिर नौकरी में उन्नति और लाभ के लिए सूर्य को जल दे। शास्त्र में सूर्य को जल देना बहुत लाभप्रद माना गया है। ऐसा करने से आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है जिसका फायदा आपको कार्य क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसकी वजह यह है कि ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, नौकरी में अधिकारी, राजकीय क्षेत्र आदि का कारक माना गया है। सूर्य को जल देने से अनुकूल फलों की प्राप्ति होती है और इच्छा भी पूरी होती है। तीसरा उपाय यह है कि नौकरी प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र की पूजा जरूर करें। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि यह धन और ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी का यंत्र है। ज्योतिष की माने तो शुक्रवार के दिन घर में श्री यंत्र की पूजा करें और कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। इसके लिए आप श्री यंत्र को गुलाबी कपड़े में या फिर चौकी पर स्थापित करें और फिर पूजा करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलेगा और नौकरी संबंधित समस्या का अंत होगा। चौथा उपाय ये है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रुद्राक्ष कई प्रकार के होते हैं और हर रुद्राक्ष का आकार और गुण के कारण उसका लाभ भी अलग मिलता है। नौकरी से संबंधित समस्याओं से मुक्ति के लिए दशमुखी रुद्राक्ष धारण करना सबसे उत्तमदायी माना गया है। दशमुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने से नौकरी के समस्या के साथ साथ संतान से संबंधित परेशानियों का भी अंत होता है। यह रुद्राक्ष सभी बाधाओं को दूर करके सुख समृद्धि दिलाता है। पांचवा उपाय ये है कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो अपने दायां पैर को आगे रख कर घर से निकले और उस दिन गाय को गुड़, चना या फिर आटे के पेड़े खिलाने से नौकरी मिलने की संभावना प्रबल हो जाती है। ध्यान रहे कि अपने ही हाथों से गाय को खिलाए। वहीं यह भी ध्यान रखे कि हनुमान जी की उठते हुए फोटो अपने पर्स में रखे और उसको माथे से लगाकर ही इंटरव्यू देने जाए। छठा उपाय ये है कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पीपल के वृक्ष पर देवताओं और पितरों का वास माना गया है। रविवार के दिन से हर रोज पीपल के वृक्ष पर सुबह जल चढ़ाए। शनिवार के दिन जल में थोड़ा सा दूध, शक्कर, थोड़ा सा तिल मिलाकर चढ़ाए और उस दिन शाम को सरसों का तेल का दीपक जरूर जलाए। ऐसा करने से आजीविका के साधन प्राप्त होंगे और नौकरी की तलाश भी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज, आप लोगों को पसंद आई होगी तो जरूर शेयर कीजिएगा और मेरा वीडियो आपने अंत तक देखा इसके लिए दिल से थैंक यू बोलती हूँ।